हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का इस राठौर क्लासेस में स्वागत करते हैं और मैं राहुल राठौर आप लोगों को आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट, इवन आप चाहे जिस कंपटीशन में बैठो, हर लेवल के, जैसे आप इंटर क्लास करते हैं, आप जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे उसमें आपके फेवरेट्स के रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस रिएक्शन की खास बात क्या है, हम आपको टू द पॉइंट बात करेंगे। और ये हमारा ऐसा रिएक्शन है जो साइक्लिक अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन अथवा अल्फा हेलो एलिफैटिक कीटोन, चाहे जिस प्रकार का कीटोन हो, साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, एलिफैटिक हो, ये सभी रिएक्शन को फॉलो करता है बाय साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट। ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फेवरेस की रिएक्शन की। जब तक इस फेवरेस की रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेनोन एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, और यही इस रिएक्शन की सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, किस पाथवे को फॉलो करेगा, और इसमें दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसमें एक प्रोडक्ट मेजर होगा, दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा? जिस प्रोडक्ट में सेट जेड रूल फॉलो कर जाए वो प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, रेजोनेंस के थ्रू जो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो एज ए मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा, जो कम रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वो एज ए माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टेबलाइज होगा। तो हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की डिफिनेशन की। बताया क्या जाता है, इन दिस रिएक्शन अल्फा हेलो कीटोन, मतलब कैसा कीटोन होना चाहिए, अल्फा हेलो, जैसे फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से क्या लगा है, हेलो, तो अल्फा हेलो कीटोन रिएक्ट विद बेस टू गिव इनोलेट, मतलब अल्फा हेलो कीटोन से पहले क्या करेगा, बेस रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, इनोलेट बनाएगा, यही इनोलेट विच रीअरेंज टू एसिड। अब इस इनोलेट से यदि अरेंज करके या तो एसिड का फॉर्मेशन करेगा या फिर एस्टर का फॉर्मेशन करेगा बाय साइक्लोप्रोपेनोन एज ए इंटरमीडिएट। जब तक हमारा साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तब तक हम उस फेवरेस की रिएक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, एंड दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज फेवरेस की रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं अल्फा हेलो कीटोन एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्वेंट हमारा एल्कोहल है, एल्कोक्साइड आयन देगा और क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ये टू टाइप का एस्टर बन सकता है, इसमें इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये टू टाइप्स के प्रोडक्ट देगा, बट हमने एक ही लिखा है, इसलिए लिखा है। मान लेते हैं अगर यहां पर कोई ग्रुप लगा होता तो फिर वहां पर मेजर और माइनर की बात करते हैं, बट यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो ना किसी को मेजर कह पाएंगे ना किसी को माइनर कह पाएंगे, बल्कि दोनों एक सेमी प्रोडक्ट है। तो आप लोगों मान लीजिए इस रिएजेंट के स्थान पे कोई और दे देता है सब्सट्रेट, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट है, समझ में। तो हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर, इसके मैकेनिज्म के स्टेप फर्स्ट में देखते हैं, जो हमारा बेस NaOH है, पहले क्या बेस डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, तो बेस क्या होगा, ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा OH माइनस आयन बेस है वो क्या करेगा, उस अल्फा हेलो कीटोन के अल्फा कार्बन पर जो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे या जो H प्लस आयन होंगे उसको क्या करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद माइग्रेट, नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करके साइक्लोप्रोपेनोन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक।
तो पहले उतना देखते हैं, फर्स्ट स्टेप तो आ गया, अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं। ये हमारा अल्फा हेलो कीटोन, अगर इस अल्फा हेलो कीटोन की अभिक्रिया एनएओएच के साथ करवा देंगे तो यहां देखते हैं एक हाइड्रोजन यहां भी है, दो हाइड्रोजन यहां भी है इसके अल्फा कार्बन पर, फंक्शन ऑफ स्टेटस कार्बन अल्फा कार्बन। तो अगर हम क्या करें इस बेस को, चूंकि हमको बनाना क्या है, हमारे माइंड में यह हमेशा चलना चाहिए कि हमको साइक्लोप्रोपेनोन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा बेस है अगर इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, एच प्लस आयन को, जैसे एच प्लस आयन को खींचेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा और यहां क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा। यही निगेटिव चार्ज, अभी वाला पॉइंट खत्म, यही निगेटिव चार्ज क्या करेगा इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहां से एक्स के फॉर्म में निकल जाएगा, सॉरी एक्स माइनस यानी सीएल माइनस के फॉर्म में निकलेगा। तो बनेगा क्या, ऐसे बन रहा है ना, सीएल माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, यहां से एच टू बेस ने प्रोटॉन को खींचा, एच टू निकल गया। अभी जब एन ए ओ एच को मैंने ब्रेक किया था तो एन ए पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव, तो ओ एच को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वाटर के फॉर्म में, एन ए पॉजिटिव बचा है, यहां से सीएल माइनस निकलेगा, एन ए सीएल के फॉर्म में भी निकल जाएगा, ठीक। फिर से देखते हैं एक बार, बेस ने प्रोटॉन को खींचा, जब एच प्लस को खींचेगा तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पे पॉजिटिव है एक पे निगेटिव, तो एच प्लस निकल गया, एच टू निकल गया, इस पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर अटैक करके यहां से हाइड्रोजन आ जा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारा साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बन गया। साइक्लोप्रोपेनोन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अब देखते हैं जैसे ही हमारा साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बना थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड में इस साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट पर अगर एल्कोक्साइड आयन जो कि वहां पे सॉल्वेंट लिए थे ना, अल्कोहल का सॉल्वेंट अल्कोहल लिए थे ना, तो जब ब्रेक होगा एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव एज ए एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन देखिए दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और ये इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर मान लेते कोई ग्रुप यहां लगा होता तो इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, बट दोनों पे क्या है, दोनों पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, है ना, तो हम चाहे जिधर से अटैक करें, बट अगर किसी भी रिएक्शन में ऐसे कोई भी और साइक्लिक प्रोडक्ट अगर आपको दे दिया और कोई ग्रुप लगा दिया तो आपको एक बार इधर से करना है अटैक, एक बार इधर से अटैक करना है, उसमें तब दो प्रोडक्ट बनेंगे और उस दोनों प्रोडक्ट में आपको ये कंसीडर करना है कि कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो हम देखते हैं, चलो दोनों तरफ से अटैक करके देखते हैं, जब ओ एच माइनस आयन सॉरी ओ आर माइनस आयन अगर इधर से अटैक करता है, ये हमारा पाथ ए है, और अगर ओ आर माइनस आयन इधर से अटैक करता है तो ये पाथ क्या है, बी पाथ है, ठीक। अगर ए पाथ से अटैक करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं अगर ए पाथ से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी का डिफरेंस है, ये वाला बॉन्ड देखो यहां पे कार्बन कार्बन है, जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा
तो इस पे आएगा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओ आर जाकर के जुड़ जाएगा, यानी बनेगा क्या, ओ आर ओ माइनस। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी वैसे सेम होगा, ठीक। अब क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर साइक्लोप्रोपेनॉन जो हमारा इंटरमीडिएट बना हुआ है, यहां पर थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग है, और उस थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन, उस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये हमारा रिंग ब्रेक कर जाता है। कैसे ब्रेक करेगा, फिर से ये वाला बॉन्ड अगर इधर मूव किया, कार्बन की वैलेंस शीट 5 होगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यानी ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो बनेगा क्या, ऐसे बनेगा, ठीक। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड धर जाएगा, अब की बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाथ ए है, ये वाला पाथ कौन सा है, बी, ठीक। तो इसमें क्या बनेगा, ठीक। अब क्या होगा, यहां पर जो H प्लस आयन है अगर एक पाथ पे जुड़ेगा तो यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा, और बनेगा, यहां भी एक हाइड्रोजन है ना, यहां भी एक हाइड्रोजन है, तो जब जाएगा H प्लस जुड़ेगा तो बनेगा क्या, यहां पे एक जाकर के जुड़ेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बना है, इसलिए हमने पहले वाले जो मेन रिएक्शन हमारा था उसमें एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए थे, है ना। तो यहां पे दो प्रोडक्ट बना नहीं, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, ये बी वाला प्रोडक्ट है, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये ए वाला प्रोडक्ट है। तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, इसलिए हमारा इसलिए जो इस रिएक्शन में हमारा दोनों एक ही है, तो उसमें मेजर मानने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और कोई भी रिएक्शन देता है, मान लेते हैं अगर कोई यहाँ पर एल्किल ग्रुप दे देता है, तो उस एल्किल ग्रुप के स्थान पर तब हमको आप वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा मेजर होगा, कौन सा हमारा माइनर होगा, जो सेरजेंट रूल को फॉलो करेगा या जिसमें मोर कॉन्जुगेशन होगा वो एज ए मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में कहलाएगा। ये इस रिएक्शन की सबसे बड़ी ब्यूटी है, आपको ये जानना होगा कि साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट बनता कैसे है, आपको हर हाल में उसको बनाना पड़ेगा, जब तक वो बनेगा नहीं तब तक आप मेजर और माइनर को कंसीडर नहीं कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को रिएक्शन समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो कम से कम एक से दो बार देखिएगा, क्योंकि इतनी आसानी से आने वाला नहीं है, इसको समझाने के लिए टू दी पॉइंट चलना पड़ता है, और मैंने वैसा ही किया है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक दो बार देखोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। तो आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में, और हमको पढ़ाने में तो बहुत मजा है। आप कितना गेन किए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कई बार रिपीट करिए, और हो सके तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबको शेयर करिए, शेयर करेंगे अगर आप किसी और को शेयर करेंगे, आप एक दूसरे के साथ जब बने रहेंगे तो कुछ उस सामने वाले से आपको मिलेगा, आप कुछ सामने वाले को दोगे, इससे आपका नॉलेज का क्या होगा, भंडार होगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।